बिरादार नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जो देश और विदेशों में नेचुरोपैथी योग का ज्ञान और लाभ घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन परम आदरणीय पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में काम करता है। ये जैसा हमारे INO सौराष्ट्र के अध्यक्ष अमरजीत सिंह अहलूवालिया जी हमारे बीच में है, आप रोटरी क्लब में, लॉयंस क्लब में भी है और पूरे गुजरात में अलग अलग प्रांतों में प्रवास करते हैं और नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार करते हैं। आज यहाँ पर हम अहमदाबाद के 16 सिविल मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज, जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, मॉडर्न मेडिसिन यानी MBBS का कॉलेज है, इस MBBS कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन में हम नेचुरोपैथी योग का कॉन्फ्रेंस 2 दिन का रखे है, 4 और 5 नवंबर। इसका थीम है इस नेचुरोपैथी योग कॉन्फ्रेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर होलिस्टिक हेल्थ, यानी समग्र स्वास्थ्य के लिए, आंख की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, नाक की हो, एलोपैथी में क्या है भाई, कैंसर का अलग है ना, हार्ट का अलग है, आपके दांत का अलग है, पता नहीं अलग अलग पार्ट के अलग अलग डॉक्टर है तो, लेकिन हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति ये कहती है स्वास्थ्य एक ही है, बीमार होने का कारण एक ही है, उसका इलाज भी एक ही है। ये है नेचुरोपैथी की परिकल्पना, नेचुरोपैथी का सिद्धांत। सभी रोग एक है, उसके नाम अलग अलग है, उपचार एक है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मैटर है, विजाती तत्व है, जो गंदगी है, उसको बाहर निकालना, यही उसका इलाज है। तो नेचुरोपैथी में यही होता है और हम सरल पद्धति से बोलते हैं तो आज हम वही कोशिश कर रहे हैं कि भाई एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल में उनके उपस्थिति में, अभी ये बात हम नेचुरोपैथी वाले भी कह रहे हैं और ये बात एलोपैथी वाले भी कह रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसके कारण इम्पैक्ट पड़ेगा समाज में, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये बढ़ना चाहिए। अगर नेचुरोपैथी योग बढ़ेगा, अभी सुबह सुबह हमने योग किए, यहाँ पर लगभग 2000 लोग जुड़े थे, गुजरात योग बोर्ड है उसके माध्यम से ग्राम पंचायत तक योग चल रहा है, गुजरात मुझे लगता है देश में 1 नंबर का काम योग के लिए कर रहा है, तो आप उनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए, उनको पूछना भी चाहिए। तो कल हमारे स्पीकर आए थे गुजरात विधानसभा के, 2 MLA आए थे यहाँ पर, उनके उपस्थिति में ये सभी चर्चा हुई है। आज भारत सरकार के मंत्री आ रहे हैं तो उनको भी डिमांड रखेंगे कि भाई जितने भी एलोपैथी हॉस्पिटल है उसके अंदर आप नेचुरोपैथी योग का आप सेंटर खोलिए। नरेंद्र भाई मोदी माननीय प्रधानमंत्री ये सभी करना चाहते हैं, हर काम वो कर नहीं सकते, तो जिस जिसकी डिपार्टमेंट है उनको सभी ये काम करना चाहिए और एक काम गाँव तक पहुँचना चाहिए। ये महात्मा गांधी का सपना था, गांधी जी ने सपना देखा था, समाज, भारत, भारत की जनता को अगर स्वस्थ रखना है, स्वावलंबी बनाना है, स्वास्थ्य स्वावलंबी बनाना है तो उसके लिए नेचुरोपैथी योग ही जरूरी है। गरीब लोगों तक एलोपैथी पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगी है, तो इसीलिए नेचुरोपैथी सस्ती है, सरल है और इजीली अवेलेबल है। अगर मैं आपको ट्रेन करूं तो आप सब लोगों को ट्रेन कर सकते हो, तो इतना सरल और सस्ती नेचुरोपैथी चिकित्सा है। इसीलिए एक कॉन्फ्रेंस ऐसा एक ही नहीं और देश भर में हम रख रहे हैं, अभी एक प्रोग्राम हम कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन वाला प्रोग्राम सुना होगा आप लोग, कौन बनेगा करोड़ोपति, हम कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक करते हैं ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन करते थे कम, 75 लाख बच्चों को हम इसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे। आप विचार करो 75 लाख फैमिली इंटू 10, उसके परिवार में 10 लोग तो परिचित होंगे तो कितना होता है भी बताओ। इतने करोड़ लोगों तक एक कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रोजेक्ट का हो जाएगा, तो मुझे लगता है गुजरात में लगभग 5 लाख लोग भाग लेंगे उसमें। तो आपके माध्यम से भी वही कहूंगा, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है नेचुरोपैथी डे के उपलक्ष्य में, और 18 नवम्बर को नेचुरोपैथी डे है और ये 2 महीने तक ये अभियान पूरे देश में चलेगा। आपके गुजरात योग बोर्ड के माध्यम से भी MOU मेरा INO का और उनका हुआ है, दोनों के MOU के कारण योग और नेचुरोपैथी कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाए, ये उद्देश्य है और हम गांधी जी का सपना साकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपके गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर
नेचुरोपैथी डॉक्टर, चिकित्सक, विद्यार्थी सभी आए हैं और सीख के जाएंगे, प्रेरणा लेके जाएंगे, तो वहां जाके ये नेचुरोपैथी योग का काम करेंगे। आपका भी काम है। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा निवेदन है, केवल ये न्यूज छापना, रील बनाना या जो भी करते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। वो आप इस सब्जेक्ट को डीप तक घुसिए कि भाई क्या हो रहा है, एलोपैथी हॉस्पिटल में क्या होता है, कहाँ कमी है, समाज को स्वस्थ रखने के लिए मेरी क्या भूमिका है। जैसा मेरी भूमिका, मेरा हॉस्पिटल नहीं है लेकिन समाज का एक नागरिक होने के कारण मेरा भी एक दायित्व है, वो दायित्व मैं निभा रहा हूँ। तो पत्रकार के तौर पर जितने भी पत्रकार है उनको भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। हेल्थ का जो भी न्यूज आता है उसको कवर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, आम जनता तक ये विषय पहुंचना चाहिए। गांधी जी सपना ये 1947-46 में देखा था और बेचारे वो चले गए, तो उसके बाद गांधी जी ने ये सपना देखा था नेचुरोपैथी घर घर पहुंचाने का। वो भारत के प्रधानमंत्री, गुजरात का दूसरा व्यक्ति, नरेंद्र भाई मोदी, सपना देखा गांधी बापू ने, साबरमती संत ने, तो उसको कंप्लीट किया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आयुष मंत्रालय सेपरेट बनाया और नेचुरोपैथी योग के लिए अलग से बजट बना के जो ट्रस्ट बनाया था गांधी जी ने, उस ट्रस्ट का फुलफिल करने के लिए वो ट्रस्ट बना के पुणे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा केंद्र बनाया। अभी गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक केंद्र होना चाहिए। इसीलिए कल भी हमने बात की आपके हेल्थ मिनिस्टर को भी, आपके स्पीकर चौधरी जी, शंकर चौधरी भाई साहब को भी हमने बुलाया था। तो कोशिश कर रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे, करते रहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके।